वीरसिंहग्रावक्षेत्रावास जय सिंह दैत्यांत विद्युद्घात विक्षारूक्ष नरसिंह विस्फुट विस्फुट कर्कश चालित दीर्घहस्ता विश्वहिता शक्तियुता शंकरधरा चक्रधरा ज्वालाकेसर सिंह शूरानहरण सिंह शश्वत शांति संस्थापनार्थक लोकध्वांस विध्वंस तारक मृत्युंजय विजय नार सिंह ओम नरसिंहाय। बिटिया बहुत भाग्यशाली है राजा जी। भगवान के सिर पर से पुष्प अपने आप लॉकेट पर आकर गिर गया। प्रभु का आशीर्वाद मिल गया। चलो अच्छा है पुजारी जी, बचपन में ही माँ बाप गुजर गए, पता नहीं मैं कब तक रहूंगा अगर भगवान ने चाहा तो। क्यों ससुर जी, आपके बाद हम है ना। हाँ बिल्कुल, आप फिक्र मत करो, आराम से परलोक सिधारो, हम है ना। राम राम राम, क्या बोल रहे हैं आप? आप पहनाइए जी। अच्छा बेटी, ये भगवान का आशीर्वाद है, ये लॉकेट तुम्हारे लिए सुंदर सा राजकुमार लेकर आएगा। राजकुमार दिखने में कैसा होता है दादाजी? राजकुमार साफ सुथरे चमकते हुए कपड़ों में सुंदर और शानदार होता है। वो जब आगे चलता है तो पीछे लोग राजकुमार की जय ऐसा कहते हैं। पकड़ो उस साले चोर को! पंखों वाले घोड़े पर उड़ते हुए आकर तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। नहीं कहीं होगा वो साला, ढूंढो उसे। बच के निकल गया चोर कहीं का, उसको आज कैसे भी पकड़ना ही है, उसकी तो धुलाई करनी चाहिए। तुम्हें क्या पसंद है? मुझे आइसक्रीम पसंद है। आइसक्रीम ला दो क्या? ये लो, यही रहना। ₹10 और ले गया। तुम चोर हो? हाँ, आइसक्रीम 11 रुपए की थी लेकिन मेरे पास 10 रुपए ही थे, इसीलिए लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने 1 रुपए चुराया। ये रही यहाँ पर बेटी मही। दादाजी कहाँ चली गई थी? इसके साथ खेल रही थी दादाजी। कह के तो जाती, हम सब घबरा गए थे। हाँ चलो। मिनिमम 1000 रुपए, कम है तो सौदा भूल जाओ, फास्ट फास्ट। क्यों बाबू, पीतल के लॉकेट का 1000 रुपया? पीतल का नहीं तो क्या सोने का समझा था? निकल। कितनी उम्मीदें थी तुमसे, सोचा 1000 रुपए मिलेगा तो लाइफ में सेटल हो जाऊंगा। तेरी तो जादूगर सत्ती अभी बहुत पकाएगा। इसको इसमें डाला, वो ढक्कन इधर देना। हाँ, इसको ऐसे रखा। आल तू जलाल तू, आई बला को डाल तू, इसमें पड़ी चीज को बदल डाल तू। हो गया शिमला का एप्पल। अरे ओ मास्टर जी, पेपर में से बॉल रुमाल में से कबूतर निकालना बड़ी बात नहीं है। अगर आपको वाकई सच्चा जादू आता है ना तो एक शेर को आदमी बना के दिखाओ।
शेर अगर आदमी बन जाए तो कैसा होगा देखना चाहते हो? दिखाता हूँ। ए शेर! मनीषा कोइराला तुम उधर ठहरो। किरबप्पो जिंगजारी किरमप्पा, हजुल्ला गुजुल्लो घुमा लकड़ी गुम्बप्पो। Your problems to die, the beast got the power under the cover. You better watch out, his eyes are fire. That's gonna break you down. देख लिया? और देखोगे? अपने रिंग निकाल। रिंग में पिंग, पिंग में मेरा बोंग, पिंगो पिंग। हाथ बढ़ा, ये एक, ये दो। ए शेर, एनटीआर की तरह क्या हंस रहा है? क्या तुझे फिर से जानवर बना दूं? एक अंगूठी को डबल बना दिया तो क्या बहुत बड़ा तीर मार दिया तुमने? बेशक। यहाँ बैठे सभी लोगों की अंगूठियाँ, सब लोगों की घड़ियाँ, इन सब के बटुए, सबको डबल बना दो, तब अपन मान जाएगा कि तू बहुत बड़ा जादूगर। तीन गुना बना दूँ तो तुम्हें कोई एतराज है? बनाना। मनीषा कोइराला, चादर बिछाओ। बहुत बढ़िया, चलो अब सब एक बार आके बंद कर लो। दुगना बना दो मेरा ठेंगा, ये सारा माल गोविंदा। चलो ऐसे कहो, दुगना बना दो मेरा ठेंगा, ये सारा माल गोविंदा। गॉड ब्लेस यू। अबे ये क्या चूना लगा के निकल गए, गोविंदा क्या कह रहे हो? राजा वो नहीं कर, सोने की माला निकलेगी या हीरो का हार? ऐसा क्या? हाँ रुको, पहले नमस्कार तो करो। रुको, कहो लाभ हो। लाभ? हाँ अब ठीक है। क्या रे बाबा, माला या गोला? तेरा लॉकेट। और तूने नाक में दम कर दिया है, तेरा तो मैं क्या करूं, क्या करूं? ए राजा, क्या कर रहा है? इसको परमानेंटली ठिकाने लगा रहा है। टाटा। जान छूटी। क्यों रे शेर? ए, अगर तेरे को शेर को दूर से देखना है ना तो देख सकता है, चाहिए तो उसके साथ फोटो भी खिंचवा सकता है। थोड़ा सा रिस्क है उसमें, लेकिन ट्राई कर सकता है। लेकिन नजदीक जाके शेर के गले में हाथ डालने की कोशिश की तो शिकार कर लेगा। अच्छा, तो फिर हमारा शिकार करके दिखा। चलो रे।
नंबर शेर। अबे जल्दी चल, पता नहीं अब इस पे किसकी नजर पड़ जाए। कहे तो जादू से अंधा कर दूं। अबे चलना, ये सारी गड़बड़ लॉकेट की वजह से है। सारी किस्मत। अरे रुकना। कितनी सारी मोटरसाइकिल। धनलक्ष्मी, धनलक्ष्मी, पहले बाहर आके माल देख ले, बाद में सजना संवरना। ओ धनलक्ष्मी। बाकी ले मैं आ गई। दिख कैसी लग रही हूँ? झक्कास। क्या लग रही है बाप, अखे स्टेट लेवल पे तेरे जैसी नहीं मिलेगी। ऐसा मत बोल, मेरे को शर्म आती है। ए तुम सब जाओ, बाकी आया है। चलो, चलो, तू जाके माल देख, चल जा। ए बाकी बैठना। अरे अरे इतनी बड़ी गठरी। गहने और पैसे मिला के 3,200,000 रुपए बनते हैं। हिसाब दूं क्या? देना। बाकी तो हिसाब सुन। हॉल का 1,00,000, शेर का 1,00,000, कपड़ों का 70, पोस्टरों का 50, मिला के 3,20,000। मेरे ही तुम में 20 बाकी हैं। अरे बाप रे, जान लेगी क्या? देख ये सब मेरे को मत सिखा, तू झूठी है, तेरा हिसाब भी झूठा है, मैं नहीं मानता। बाकी मैं जीने के लिए ये सब करती हूँ, लेकिन तेरे को धोखा नहीं दे सकती। हाँ तेरी कसम बाकी। मेरा बापू कहता था मेरे जैसा दिल का खराब कोई नहीं। यही सोच के फंस गए ना, हमारा पत्ता कट गया। ओ माँ, इतनी छोटी पेटी उतनी बड़ी गठरी निकल गई। दिस बेबी इज वेरी डेंजरस, समथिंग रॉन्ग इनसाइड, अंडरग्राउंड, फाउल प्ले। बाप रे, शोले उगल रहे हैं शोले। आहा, पैसों की जरूरत हो तो हाथ जोड़ के आते हैं और देते वक्त रोने लगते हैं। अब की बार उधार मांगने है, तब बताती हूँ तेरे को। अबे तो गलत क्या बोल रहा है वो, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा के तूने भिखारी बना दिया। राइट है कि रॉन्ग है, अपन खुद हिसाब लगा के देखेगा। तो देखना। हाँ तो देखेगा ना, अपन डरता है क्या किसी से? ये क्या बाकी, किधर हाथ डालिया? अपन को लगा उधर सिर्फ हिसाब का पेटी ही होएगा। बात तो ऐसे कर रहा है जैसे तुझे कुछ मालूम ही नहीं। माँ कसम, वो लोकेशन अपनी समझ में ही नहीं आया। जो भी हो, तूने गलत किया रे बाकी। सॉरी यार। अगर तूने किसी को बताया तो मेरी बदनामी होगी। मैं क्या येड़ा हूँ क्या किसी को ये सब बातें बताऊंगा? हो तुम मुझे मुश्किलों से बाहर निकालोगे? हाँ? अरे माई, कहाँ मर गई? कॉफी लेकर आ। आ रही हूँ बुआ जी। जानती हो तुम बहुत सुंदर हो। ओ शर्म आती है। मामी से डरती हो पर मुझे तो पसंद करती हो ना? बोलो ना, जल्दी आ जाना। ठीक है, उस सूटकेस में क्या है दिखाइए। ठीक है बेटी। माँ जी, ये बहुत मुश्किल से मिलने वाला हीरा है, अगर मिल जाए तो पोती के लिए ले आना, ऐसा सेठ जी ने कहा था मुझे। एक बार बिटिया रानी को बुलाइए ना, मुझे कहीं और भी पहुंचना है। सुनो लड़की, जाके एक बार बिटिया रानी को बुला कर लाओ। इस घर में मेरी ही चलेगी, जा यहां से। तुम इतने बड़े होकर मुझे यहाँ से ले जाओगे, इसी आस में जी रही हूँ। क्या हुआ सर,
हार्ट अटैक हुआ क्या? नहीं रे, ड्रेस का अटैक है। ड्रेस का अटैक? वो क्या है सर? वो ड्रेस की एक विशाल गाथा है। परसों ताज होटल में एक चंचल छमिया को लाइन में लाने के लिए मैंने अपनी बीवी की ड्रेस उसे प्रेजेंट की थी। वो ड्रेस उतार कर, मेरा मतलब पहन कर थैंक यू कहकर चली गई। अब वो ड्रेस नहीं मिली तो मेरी बीवी मेरा दबा देगी गला। ओहो, नया बनवा लेंगे सर। कोई फायदा नहीं होगा, उससे आसानी से पता चल जाएगा। उस चंचल छमिये से उस ड्रेस को चुरा के ला सके ऐसा एक आदमी है सर, पर उसका खर्चा होगा। 10 लाख रुपए लगे तो भी चलेगा, उस ड्रेस को चुराने वाला महाचोर है कोई। ये है मैडम, कल सुबह 6 बजे तक वो ड्रेस हमारे हाथ में, तो तुम्हारे हाथ में 10 लाख। 6 के 5 मिनट बाद मिले, ये ड्रेस में छोटा सा भी छेद हुआ तो डील कैंसिल। ये है उसका फोटो। और ये रहा एडवांस, 1 लाख एडवांस कैंसिल, काम खत्म होने पर ही फुल पेमेंट। उधर स्टाइल मारने की क्या जरूरत थी? अब इस लड़की को पटाने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए, कहाँ से आएगा? धनलक्ष्मी से ले लेंगे ना। तेरी तो आंटी लगती है ना धनलक्ष्मी, उसने बोल दिया पिछला हिसाब नहीं चुकाया तो 1 पैसा नहीं देगी। अब उस पर कोई जादू चलाए बिना काम नहीं बनने वाला, क्या करें? चला दूं क्या? सच कह रहा है बाकी, गिफ्ट है मेरे लिए, इसे हिसाब में तो नहीं जोड़ेगा ना तू? देख, हर चीज को पैसे के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, मैं तेरे लिए प्यार से लाया हूँ ना, जरा देख तो ले। हाय, बहुत अच्छा है, पर ये पुतला मेरे किस काम का रे? सिक्योरिटी के लिए और क्या? क्या बात कर रही है तू? अंदर बाहर तेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है ना, किसी ने आके चुरा लिया तो तेरा क्या होगा? तू भी बाकी, तो ये उसमें क्या कर लेगा? अभी दिखाता हूँ। किसी ने चोरी करने की कोशिश की तो ये उसे मारेगा, तेरी प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी समझ के संभालेगा, ट्राई करके देख ले। ये देख, उंगली आगे कर, देखा ना? ये तो बहुत काम का है रे, छोड़ मुझे, छोड़। ऐसे अगर किसी ने तेरे पे हाथ डाला तो ये उसकी वाट लगा देगा, और इतना ही नहीं, ये तेरे पर्सनल काम भी करेगा। ए पुतले, लक्ष्मी के सर से जू निकाल। ए पुतले, चोटी बनाना चोटी। देखा ना, इतना सॉलिड पुतला लाके दिया मैंने। चाबी क्यों ली तूने? ए पुतले, मार इसको। सत्ती, तू है? हाँ, you beating me, I cheating you. This is my revenge. Now your box is blast out. राजा, फटाफट तिजोरी खोलते हैं। चल बिनु, जल्दी निकाल। सीधा सीधा मांगने पर देती नहीं, इसलिए पुतले का नाटक करना पड़ा। 1 लाख निकाल के ले जा रहा हूँ, कल शाम तक वापस लौटा दूंगा। अरे रे, मेरे पैसे। चल निकाल बिनु। बाप रे, निकल ले, निकल। मेरे पैड़ा बनाता है तो रुक जा। बाप रे, पकड़े गए तो थोड़ा लेगी। अरे और रुक, मेरे लिए रुक जा, बहुत मारती है, जल्दी जल्दी भाग ले यहाँ से, बहुत मारती है। भाग रहे हो दोनों? ए, कब तक भागोगे? किसी दिन तो हाथ में आओगे। दोनों को 20 सड़क पे जूते नहीं पड़वाए तो देख लेना सालो। कहाँ गई होगी वो? घर छोड़ कर चली गई क्या? कहीं मर गई या किसी के साथ भाग गई? ऐसा नहीं हो सकता। पैसे की तरह चिल्ला रहे हो, फायदे में रोना घाटे में रोना। अरे जाती है तो जाने दो उसे, सुबह से लेके शाम तक टेंशन ही टेंशन। क्यों बेटी, कहाँ गई थी? आया के घर से फोन आया था कि उसका ऑपरेशन हो रहा है, उसे देखने हॉस्पिटल गई थी। हाय हाय, इसमें इतना छुप छुप के जाने की क्या जरूरत थी? अगर जाना ही था तो एक बार बता कर तो जाती। बस करो। अलमारी में 10,000 कम है, तुमने निकाले। तुम भी ना मही, सुबह से मैं कितना घबरा रहा हूँ जानती हो? कह के जाना था ना, मामा से पैसे मांगती मिल जाते। तू अपने हाथ दूर कर। मैंने क्या गलत किया जो मुझे मार रहे हैं? मैंने अच्छे काम के लिए पैसे लिए ना, वैसे अपना पैसा लेना भी गलत है क्या? अपना पैसा? बहुत चर्बी चढ़ गई है इसे। चर्बी चढ़ती है तो चढ़े, ये मेरा अगर दिमाग में चढ़ गया ना तो कल रास्ते पे आकर खाना खा के 4 दिन हुए साहब कहते फिरेंगे हम। इसका कुछ करना होगा।
भैया हम भी मर्सिडीज गाड़ी लेंगे। हाँ ले लेंगे। अरे ड्रेस किधर है? ए, इस लड़की के बदन पर जो ड्रेस है उसमें से एक भी धागा निकला तो जिंदा नहीं बचोगे। इसमें से निकल के भाग जाओ। नहीं नहीं भागना मत, वहीं रुकना, मैं इनसे निपट कर आता हूं। महिला तुम अंदर क्यों घुसी? मैं वहां से निकली तो ना, जोर से पकड़ो, ड्रेस संभालना। जाके जल्दी कपड़े उतारो, ये छोटे छोटे कपड़ों की वजह से ही वो गुंडे तुम्हारे पीछे पड़े थे। जाओ जल्दी, मेरी माँ टेंशन हो रहा है, कपड़े जल्दी उतारना। तुम बहुत गलत कर रहे हो राजा, उस लड़की की उतारी हुई ड्रेस को लेकर मैं यहाँ कब से वेटिंग कर रहा हूँ।
और तुम 10 लाख रुपए के काम को छोड़कर इस बिस्मिल्लाह जान को ले आए? ताली बजाऊं? ड्रेस लेके आया तू? हाँ लाया हूँ। किधर है दिखा? ये देखो, ये लो। ये उस लड़की का ड्रेस है? अरे नहीं है। मारते काहे को है? इसे निकाल दूंगा, समझा? थैंक यू। उतार लाया। चल अब निकल जल्दी से। ओ सर, फिलिंग जरा बाद में, पहले कैश दो। कैश? हाँ हाँ, करे करे। कैश कैश अभी दे देता हूँ भाई। ये लीजिए सर। गाउन इज ग्रेट। सर 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 सर, चेक। या व्हाट इज योर नेम? राजा। राजा राजा, गाउन इज ग्रेट। अरे तेरे गाउन की मैं बजाऊं? साइन करना जल्दी। ओ या सिग्नेचर। गाउन इज ग्रेट, साइन कीजिए ना सर। साइन कीजिए सर। हे साइन करना यार। ये क्या, मुंह की बात मुंह में ही रुक गई? सर हमें छोड़कर चले गए। सर आप हमें क्यों छोड़कर चले गए? कल मैडम आएगी तो मैं क्या जवाब दूंगा सर? बोलिए सर। अंकल, हे बुड्ढे, अबे तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे पेट पे लात मत मार, 10 लाख रुपए का सवाल है, अबे साइन कर देना यार। देखो वही है, सेम स्मेल, काउंट इज ग्रेट, साइन कर देना यार। समझ में नहीं आता क्या, हमारे सेठ जी मर गए, महान आत्मा थे वो। कितने ड्रीम्स देखे थे यार। साले बुड्ढे को देख भिड़ू, चेक के ऊपर डेट डाला, नाम डाला, कैश भी डाला, करेक्ट साइन करने के टाइम पे जैसे किसी ने घंटी मार के बुलाया हो, वैसे झटके से लुढ़क गया। गलती बुड्ढे की नहीं है राजा, घंटी किसी और ने मारी है। किसने मारी भिड़ू? यमराज ने। किसने? यमराज। अबे यमराज है कि जन्म जन्म का दुश्मन, जरा सामने आने को बोल, छुरा घोप के मार डालूंगा उसको। नीचे नहीं रहता राजा, ऊपर 25,000 फ्लोर्स। यमराज। यमराज यमराज यमराज, 3 दिनों से प्रतीक्षा कर रहे हैं हम। तिनकों की भांति मानने वालों के लिए हम क्यों रास्ता देखें? क्या कहते हो वरुण देव? हाँ देवेंद्र, अग्निदेव जो कह रहे हैं अक्षरशः सत्य है। महाविष्णु का भेजा हुआ नैवेद्य आपको मिलना ही चाहिए, ऐसा हम सबका विचार है। हाँ देवेंद्र, तुम्हारे निवेदन का स्वीकार किया जाना ही यमराज के अहंकार का सही जवाब है। आप कितना भी उकसाओ, लेने वाले तैयार हो तब ना। कदाचित यमराज के क्रोध से या हाथ चलाने से किंचित भयभीत लगते हैं। नहीं नहीं, हमें किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, चलिए कार्यक्रम शुरू किया जाए। ओम राजा अधिराजाय प्रसन्न साहिने नारायण। श्री कदाकार हमें भयंकराकार हमें नरक लोकाधीश सुरवर मैं, सारे भुवन का अधिपति शूर मैं, मार्तांड तनज मैं काल रूप, छंड प्रचंड पाषंड प्रकाश मैं, काल पाप दर मैं कर्कश मैं। जयम की करनी, जयम की करनी, हर ये भट कोटि कहे समत मैं। क्या मुझसे भय नहीं रही पहले जैसा, अपनी मर्याद को है भूल बैठा, यम आने से पहले ये जश्न किया कैसे, किया कौन ये साहस किसने आपने, किया कौन ये साहस अपमान करना। नारायण नारायण, आपके आगमन की प्रतीक्षा करने के लिए मैं कह रहा था यमराज, परंतु आपका आना मूर्खता है, ऐसा इन सब ने कहा। ऐसा कहने के इनमें से कोई भी योग्य नहीं है नारद, हमसे ही सभा है, हमारा आना ही मुहूर्त है, ऐसे व्यर्थ के लोग कितने भी हो कोई लाभ नहीं। अग्नि वायु वरुण देव, इनमें कोई मेल नहीं, कोई समानता नहीं, ये सब एक मत है।
कुबेरा, सूद पर सूद, सूद पर सूद लगाकर बालाजी के साथ ही छल कपट कर रहे हो। मेंढक की तरह पेट बढ़ा के कलयुग वासियों का माल गपा गप गटक रहे हो। क्या हम तुम्हारा चरित्र नहीं जानते चित्रगुप्त? प्रभु, इसकी काली आमदनी का चिट्ठा खोलो। दर वर्ष 300 करोड़ रुपए के हिसाब से कलयुग के आरंभ से इन्होंने जो बस है चित्रगुप्त, मनुष्य के जन्म मरण के साथ साथ देवताओं के जमा खर्च का भी हिसाब रख रहे हो देवेंद्र। अब तुम्हारा चरित्र भी खुलवाना है क्या? रावणासुर, महिषासुर, नरकासुर, जो भी असुर आया वज्र को हाथ में नहीं बगल में दबा कर दौड़ो 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 करते हुए भागे हो। हाँ, तुम्हारे लिए एक सिंहासन और वाहन ऐरावत। मदिरा पान करके मुनि कन्याओं को लूटना, पदवी के लिए मुनियों को खुश करना, यही सब है ना तुम्हारी कथा का सार? बताओ। जग बदले, युग बदले, समस्त प्राण कोटि के मन में भीति नीति समवर्ती है ये यज्ञ। मैं ही हूँ अधिपति, देवाधिपति, अग्र निवेदन का अधिपति। वैसे इन्होंने जो कहा उसमें अतिशय क्या है? भूलोक में इनकी जो प्रतिष्ठा है वो आप में से किनकी है? यमराज से मानव कितना डरता है, कितना भयभीत है, आइए देखते हैं। यमराज, तेरी तो मैं दम है तो सामने आ, फेस टू फेस दौड़ा दौड़ा के मारूंगा तेरे को। ऊपर है मैं नीचे हूँ, इसके लिए कुछ कर नहीं सकता क्या? नीचे आ, बहुत मारूंगा। यमराज, ऐसा मारूंगा तू गाना गाएगा यम्मा रे यम्मा, बैंड बजा दूंगा तेरा। तेरे मुकुट में बिच्छू रख के तेरी सीट के नीचे कीला रख के यमपुरी में आग लगा के तेरे से भांगड़ा डांस नहीं करवाया ना तो सुन ले। हाँ, मैं आदमी नहीं और तू यमराज नहीं। यम धर्म राजा, मुकुट में बिच्छू और सिंहासन में कीला। हम हैं यम। मेरा नाम कानों में पड़ते ही जो मानव जाति मृत्यु घोषणा का विलाप करती है, ऐसी मानव जाति में जन्म लेने वाला एक नराधम मुझे इतना बुरा भला कहता है। अपमान की अग्नि में मेरे शरीर का दहन हो रहा है, उस मानव आधम को अत्यंत शीघ्र हमारे लोक में ले आओ। उसकी आयु पूरे 100 साल की है प्रभु। हाँ, ठीक से दोबारा देखो। उसका 10 दिनों के बाद एक बार, 40 दिनों के बाद और एक बार यमयोग है प्रभु। अच्छा है चित्रगुप्त, बहुत अच्छा, उस पहले योग में ही उसे यहाँ ले आओ। परंतु क्रोध से प्राणों को निकालना अधर्म है प्रभु। हाँ, धर्म अधर्म की विवेचना मत करो, उसे यहाँ आना ही होगा, उसके जीवन की भागवत कथा करनी होगी, उसके अहंकार को मेरे पैरों तले डालकर रौंदना होगा। मैं तो रास्ते से जा रहा था। चाबी मेरे पास। मारूंगा, जल्दी निकाल। अरे निकाल रहा हूँ, रुको ना। आ जाओ। ये कौन है? You who? Here I come. राजा, सुबह हम एक ड्रेस मार के लाए थे ना, उसमें ये लड़की थी। ड्रेस ने कितना लोचा किया रे। तुझे बार बार याद करके रो मत। आए चौकरी, अपना डिटेल बता। जी, मेरा नाम महेश्वरी और मैं अनाथ हूँ। कैश है क्या? जी नहीं है। गले में गोल्ड है क्या? जी ये नकली है। नो मनी नो गोल्ड, बाय लिव। पतली गली पकड़ो और चलते बनो। जी क्या कह रहे हैं? इस वक्त जाने के लिए कहेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? अरे तो तुमको अभी को अभी जाने को कौन बोल रहा है? पूरे 5 सेकंड तुमको देता हूँ ना मैं। एक, दो। अरे भिड़ू आगे के, तू गिन के इसको चलता करना है यार।
दिन दहाड़े बीच रास्ते पर एक लड़की को एक अनजान गिरोह ने किडनैप किया। उस लड़की का नाम महेश्वरी है, जो श्रीरंगपुर के जमींदार की पोती है। ये लड़की 200 करोड़ रुपए की जायदाद की वारिस है। माना गया है कि उन्हें पैसे के लिए किडनैप किया गया है। इनके परिवार वाले इसको किधर तो देखेला है यार। इस लड़की का पता जानने वाले, अरे घर में आई हुई लक्ष्मी को ऐसे ही भेज दिया। अरे चे 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 चे, ये क्या किया? जाओ मेरी माँ, कितनी बार बोलने का, समझ में नहीं आता है। मेरी बात सुन लीजिए, जाओ जाओ जाओ। प्लीज सर, सर उनसे एक बार पूछ लीजिए। अरे जागने के बाद वो जाग गया तो दोनों को मार डालेगा। तुम जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। क्या हुआ राजा? खत्म हो गया बिड़ू, सब खत्म हो गया। अबे चुप कर, 5,000 अपनी पॉकेट में है। पैसे का मैटर है क्या? लाइफ है यार, इस लाइफ में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती कर दी कब? कल रात को उस लड़की को घर से बाहर निकाल कर बहुत बड़ी गलती कर दी। यू नो समथिंग, इंग्लिश, उसकी लाइफ बहुत सुखी होनी चाहिए और मैं ठहरा मजदूरी करने वाला नालायक। वो एवरेस्ट और मैं फॉरेस्ट, जंगल। इसीलिए भिड़ू, दिल में छुपे हुए प्यार को दिल ही में दबा कर मैंने उसे घर से बाहर भेज दिया, लेकिन वो अब भी मेरे दिल में है। वो देखो, उन पत्थरों में भी दिख रही है। पत्थरों में दिख रही है? वो देखो, उस पानी में भी दिख रही है। पानी में भी है? हाँ। और तो और, मुझे इन सीढ़ियों पर भी वो ही नजर आ रही है भिड़ू। यही पर हूँ जी। देखना, मुझे सिर्फ दिखाई नहीं, सुनाई भी दे रही है। सच में मैं यहीं पर हूँ जी। बताओ इसे। क्या हुआ राजा? यहाँ दर्द हो रहा है। रात पर बाहर थी ना, बुखार आ गया है, अंदर जाके लिटा दे। मही, अगर तुम चलोगी तो तुम्हारे पैर में छाले पड़ जाएंगे। मैं हूं ना तुम्हारी सेवा के लिए। रुको। मही, आज से तुम्हारी देखभाल मैं करूंगा, तुम्हें जो चाहिए मुझसे कहो। हाँ, ज्यादा बोलोगी तो थक जाओगी, बस इशारा कर दो तुम। चलो एक बार करके दिखाओ। हाँ, ऐसे। चलो तो क्या हो गया? आज तक मैं तुझे चोर और नालायक समझता था, तेरे अंदर इतना महान प्रेमी है, यह आज ही पता चला मुझे राजा। छोड़ ना बिड़ू। मारता काहे को तू? लव है या बुखार? तू नहीं तो कहा था तुझे प्यार हुआ है। अबे वो एक जमींदार की बेटी है। हाँ? जमींदार की बेटी? तो वो नाटक किसी लिए था? उसे किडनैप किया है ये बोलकर 50,00,000 तक निकलवा सकते हैं। तो फिर बेटिंग क्यों? हाथ पाव बांध कर कोने में डाल लेते हैं, काम खत्म होता है ना। अबे ऐसे नहीं रे। हाँ? मैं प्लान बताता हूँ। कितनी बार कहा कि कॉफी सुस्त में नहीं चलनी चाहिए। अरे कहाँ मर गई मही? आ रही हूँ बुआ जी। कौन बनेगा पति? कॉफी। दोपहर के 3 बजे उठ के तुझे बेड पे कॉफी चाहिए? अभी देता हूँ कटिंग। अगर इधर इतने नखरे हैं तो घर पे क्या हाल होगा? जल्दी। हाँ ला रहा हूँ कॉफी। तेरी तो। अरे मही, तुम यहाँ हो? तुम्हें नहीं देखा तो मैं कितना घबरा गया था, पता है? ये लो कॉफी। पूरा लगा क्या? छे छे, तुम भी ना मही। तो फिर नहाने के लिए पानी रखो। अभी आया। छे। क्यों?
सुनिए सेठ जी, वकील साहब दरवाजे पर आ गए हैं। हैप्पी, बहुत हैप्पी, बहुत अच्छी तरह से हो रही हो। वो आदमी अच्छा लौट रहा है, वो हाथ अच्छी हिला रही है। मैटर क्या है? वही कहीं चली गई है वकील जी। वेरी हैप्पी, कहाँ चली गई है? हम कब तक जिंदा रहेंगे? तेरी जायदाद तू ही संभाल बेटी, मैंने तो बस इतना ही कहा। बोरिया बिस्तर बांध के बच्ची पता नहीं कहाँ चली गई वकील साहब। वेरी हैप्पी, पता लगवाया है। अब क्या पता लगवाना, आज सुबह ही रेल की पटरी पर एक लड़की की लाश मिली है। नसीब इसी को कहते हैं, बहुत बड़ी जायदाद है, जिसके नसीब में होगी उसी को मिलेगी। कितनी भी हो क्या फायदा वकील जी, मेरी बच्ची लौट के आएगी क्या? वेरी हैप्पी, बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, विवेकानंद अनाथाश्रम के बारे में कह रहा हूँ। अरे बीच में उनको क्यों ला रहा, बेकार में चंदा मांगेंगे। उनको आपसे चंदा मांगने की क्या जरूरत है, सारी जायदाद उन्हीं की तो है। वो कैसे सर? वेरी हैप्पी, बहुत अच्छा शौक लगा है। वो सिर्फ मेरे जमींदार यानी आपके ससुर जी वसीयत में ऐसा ही लिख के मरे हैं। क्या लिखा है उन्होंने? वेरी हैप्पी, बहुत अच्छा डाउट है। पोती जब तक है जायदाद भोगने का हक आपको है, शादी हुई तो उसके पति को, पोती ही नहीं रही तो अनाथ आश्रम को। ये है वसीयत नामा, 30 दिनों के अंदर बदलना पड़ेगा आपको पता। ऐसे कैसे हो सकता है, वो लाश हमारी बेटी की है, सबूत चाहिए ना। हाँ आपने ही कहा है, पटरी पर जो लाश मिली वो आपकी पोती की है। देखिए पटरी पर बहुत लोग मरते हैं, लाश देखिए उसकी बॉडी इंसान की थी, पत्थर पकड़े का था। ओहो, 30 दिनों के अंदर लड़की को दिखाइए, हैप्पी वरना विवेकानंद अनाथ आश्रम वेरी हैप्पी। अरे बाप रे, वही ये कोई टाइटैनिक शिप नहीं है मेरी माँ, छोटी सी नाव है, ज्यादा हिलोगी तो गिर जाओगी। तुम पानी में गिर गई तो मैं डूब जाऊंगा। बैठ जाओ मेरी माँ, बैठ जाओ, रिस्क मत लो ना, बैठ जाओ प्लीज। अरे ये क्या है, काम नहीं कर सकती, मर्जी से चल नहीं सकती, डूब भी नहीं सकती, ऐसे ही तो मैं चली जाऊंगी। अरे नहीं 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 नहीं, इतने बड़े बड़े फैसले मत लो मही, अगर तुम चली गई तो मैं किसके लिए जीऊंगा। रुक जाओ मही, प्लीज मही। तो फिर मैं जो कहूँ वो करोगे? करूँगा मही। जो मांगूंगी वो दोगे? दूंगा मही, बोलो ना। तो फिर दे दो अभी यहीं पर, ऐसा कुछ जो जिंदगी भर के लिए याद रहे। फूल और फल के अलावा कुछ है क्या? बिस्किट पैकेट है ना? नहीं चाहिए। बाप रे, अभी इसको क्या दूं? ये 12 साल की उम्र से मेरे साथ है, इसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, जहां भी मैं जाता हूं ये मेरे पीछे चला आता है। ये तुम्हारे लिए, तुमने मांगा इसलिए दे रहा हूं, इसे तुम रख लो। हेलो, कौन बोल रहा है? hey, मुंह बंद कर और कान खोल के सुन। तेरी बेटी मही सेफली वापस चाहिए तो कल कोल डोंगरी आ जाना, मांडवाली कर लेंगे। हाँ ठीक है बाबू, हम आ जाएंगे, लड़की को कुछ मत करना। राजा तुम बात करो। कितना मांगे? 50 लाख। कितने में फाइनल करो? 1 करोड़ बोलो, उससे ज्यादा नहीं। ओके। हम लोगों ने आपस में डिस्कस करके तुम लोगों की पहुंच में हो ऐसा एक रेट फिक्स किया, ऐसा करो 50 दे दो। 50 करोड़? ये आखिर हम लोगों को समझता क्या है, हमने कोई वर्ल्ड बैंक खोल के रखा है क्या? कह दो कि उतने का सवाल ही नहीं। उतना तो नहीं लेकिन 1 दे देंगे। सिर्फ एक? सिर्फ 1 लाख? क्या यार, इसके साइज और इसके रेट का तो कोई मेल ही नहीं है। चाय पानी भी नहीं निकलेगा, बिल्कुल नहीं मानना। सुनो, 1 तो बहुत कम है, वो पहले वाले रेट में से 1 कम करके 49 दे दो। चलो 2.5 फिक्स्ड। फिक्स करने वाला आप उन्हें, फाइनल रेट 45। 45? पैसा भी कम हुआ तो लड़की के हाथ पांव तोड़ के टुकड़े टुकड़े करके तेरे को पार्सल कर दूंगा। कल सुबह 7 बजे तक कैश रेडी चाहिए,
अरे बेड़ो कल सुबह 7 बजे तक कैश नहीं, कैसे वाटर चमचे कैसे होगा भैया कल सुबह 7 ए तू वीडियो क्या निकालता है? वीडियो निकाला ऐसे ही निकाल रहा था, डांट क्यों रहे हो? पूरी तरह भीग गए हो, सर पोंछ लो। यहां किसी का इंतजार कर रहे हो तुम? हाँ तुम्हारा, मेरा इंतजार? तो आश्रम में चले आते, बारिश में क्यों खड़े हो? चलो चाय पीकर बात करते हैं। नमस्ते सर। तो चाय देना बेटा। ओके सर। छतरी के नीचे आ जाओ। हेलो बाय, नायडू ने पैसा भेज दिया, बुड्ढे को उठा सकते हो। कितनी चाय बोली? दो चाय बोली है। एक मना कर दीजिए, तुम नहीं पियोगे? सुन बिड़ो, पैसा हाथ में आते ही मैं डायरेक्ट रेलवे स्टेशन पहुंच जाऊंगा। हम लोग नौकरी ढूंढने के लिए बंबई जा रहे हैं, बोल के तू भी यहां से खिसक लेना। लड़की के घर वाले आके उसे ले जाएंगे, अपना कैश अपने हाथ में और लड़की उसके घर, समझ गया ना? हाँ, मैं सब संभाल लूंगा, अब तू निकल। राजा, राजा। क्या है मही? मुझे छोड़कर तो नहीं जा रहे हो ना? छे छे, तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं ना, मैं दवाइयाँ लेने जा रहा हूँ। जल्दी वापस आ जाओगे ना? हाँ आ जाऊंगा। वादा करो। आ जाऊंगा। पैसा पैसा चाहिए रे। आओ भाई आओ, तुमने जैसा कहा पूरे 45 लाए हैं, इनको लेकर हमारी बेटी कहाँ है ये बताओ। बताता हूँ, पहले इसमें कैश है या कंकर भर के लाए हो ये तो चेक करने दो। पैसे पूरे लाए हो या कम लाए हो गिनने तो दो, जल्दी क्या है, बहुत टाइम है। हमको इतनी अक्कल कहाँ है भाई, हमारी बेटी की जान का सवाल है, एक नहीं 100 बार गिन के लाए हैं। जाके फाइनल पेमेंट रेडी कर लेना, काम पूरा होते ही आके मैं कलेक्ट कर लूंगा। कौन हो तुम? हम यमदूत हैं, तुम्हें लेने आए हैं, चलो हमारे साथ। ओहो, बताओ रिटर्न कब है? हम तुम्हें ससुराल लेकर नहीं जा रहे, वहां जाने के बाद कोई नहीं लौटता। ओह, हाँ
क्या है इतना बड़ा? ठीक से बैठो। सॉरी सर। अरे बाप रे, बड़े भाई थोड़ा धीरे से जाने को बोलो ना भाई, यहाँ से गिर गया तो मर जाऊंगा। तुम मर गए हो तभी यहाँ आए हो। यहाँ तो सब कुछ एकदम बड़ा है भाई, एक इसको छोड़ के। वो क्या है? यम धर्मराज जी सभा शुरू कर रहे हैं, चलो। वो नरक का द्वार है। और वो देखो सूर्य भगवान है, हमारे यमराज के पिता। प्रचंड मार्तांड तमो विध्वंसका सप्ताश्व समारूढ़ा अस्मत् पितृदेवा श्री सूर्य देवा नमो नमः। नरक का नाम सुनकर नर भयभीत हो, यम के दंड से रीढ़ की हड्डियां थर थर कांपे, ऐसा हमें आशीर्वाद दे पिताश्री। चित्रगुप्त सभा आरंभ करो। ठीक है प्रभु। इसका नाम नरपत राम स्वरूप है। दो वर्गों को आपस में लड़ते देख उन्हें जाकर छुड़ाया नहीं बल्कि एक तरफ बैठकर आनंद लेता रहा प्रभु। उस नीतिहीन नर को उल्टा लटका के उसके अंग के रोम रोम को मसल के उसे धधकती हुई ज्वाला में डाल दो। ये क्या सर, छोटे से अपराध की इतनी बड़ी सजा? चुप कर पापी, ये छोटा अपराध है। न्याय और अन्याय के बीच, धर्म और अधर्म के बीच जब संघर्ष हो रहा हो, मूक दर्शक बनकर देखने वालों का यहाँ सलसल उबलता हुआ तेल रास्ता देख रहा है। खींच के ले जाओ इसे। इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा? मैंने तो सिर्फ चोरी की है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। नहीं, किसको? अरे बाप रे बाप, कितने हीरे हैं। अगले पापी का परिचय बताओ। अवश्य प्रभु। चित्रगुप्त। ये कैसे मनमोहक पवन है। ये परिचारिका के विंजामर का प्रभाव नहीं, हमारी पटरानी की हस्तविजिका का प्रभाव है। देखा देवी, हम आपकी उपस्थिति कैसे पहचान लेते हैं? मेरी हस्तविजिका पहचान सकते हैं, पर हमारे विवाह का दिन याद नहीं रहता। ओह, आज का दिन हमें अच्छी तरह याद है देवी। कहो तो तुम्हें बाहों में तुम्हारे अधरों को चूम ले। कहिए क्या विचार है? स्वामी स्वामी स्वामी, सभा के बीच में रासलीला। चित्रगुप्त, लापरवाही बिल्कुल नहीं। ये पास ही यम धर्म है, यम रूप है, इसकी सुरक्षा का कर्तव्य तुम्हारा है। अवश्य प्रभु, आप निश्चिंत होकर। सैनिकों, तुम लोग अपने घर चले जाओ। और पापियों, तुम लोग कूप में चले जाओ। चलो ना, इतने आराम से क्यों चल रहे हो? चलो। अबे तू इधर है बुढ़े, बात सुनो मध्यवर्ती, इधर आओ। इतनी इज्जत देने की जरूरत नहीं है, ब्रोकर कहकर पुकार सकते हो। आपका राज है भाई। तुम नरों को कृतज्ञता नहीं है? क्यों? हमने तुम्हारी ब्रोकरी के कारण तुम्हें एक पहर को तेल में तलना कम किया है ना? वैसे ही कम किया क्या आपने? हमारे सारे खाते आपको दे दिए तो कम किया, अब क्या चाहिए बोलो। बताता हूँ। वो नए आए हुए पापियों में वो अंत में खड़ी है ना जो फुलझड़ी।
मैंने, ये नहीं होगा। देखो हाँ। तुम्हारा और उसका एक पैर दंड कम कर दूंगा। ठीक है करता हूँ, और कहाँ जाऊंगा। सुनो लड़की, तुमने बहुत पाप किया है ना। अरे बाप रे, आपको कैसे मालूम? दंड कम करने का उपाय बताओ। वो दिन अब गए, वो बूढ़ा तुमसे मिलने को बेताब है। देखिए जी, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। वो भी ऐसे वैसे नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, पुस्तक के पन्ने पलटाने जैसा ही मामला है। ऐसा क्या? हाँ अब जाओ, टेंशन मत ले। अब बच के किधर जाएगा बुढ़े? आ गया तू। ये क्या, रिवर्स में शॉक दिया इसने। तू जानता था मैं आऊंगा? जानता था भाई, यमराज और चित्रगुप्त कई दिनों से तेरे ही बारे में घंटों बैठकर डिस्कस करते रहे। मेरे बारे में? लेकिन क्यों? अबे बेवड़ा पी के यमराज को उल्टी सीधी गालियां दी थी ना तूने। एक्चुअली बहुत साल तुझे जीना था, लेकिन किताब में कुछ गड़बड़ियां करवा के तुझे मरवा दिया। अब तो यमराज तुझसे बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार बैठा है। क्यों बे यमराज, मेरी उम्र खत्म होने से पहले ही मुझे मरवा दिया? अब समझ ले, तू तो गया। फूलों की खुशबू बाद में सूंघ लेना, अभी लफड़ा हो गया है। अब क्या हुआ भाई, मेरे ऐसे व्यस्त समय में बाधा क्यों डाल रहे हो? यम धर्मराज उस वक्त तो चले गए, लेकिन अभी यहीं कहीं घूम रहे हैं। यहीं कहीं घूम रहे हैं, तुम जाओ माता। ओ जल्दी बताओ भाई, मेरे प्राण बाहर निकल रहे हैं। आपकी रास लीला के बारे में किसी ने उनको बता दिया है। आपको रेड हैंडेडली पकड़ने के लिए, यानी निज अवस्था में पकड़ने के लिए नरलोक पापी के रूप में भेष बदल कर यहीं कहीं घूम रहे हैं। टेक केयर। प्रभु, भेष बदलने से क्या होता है? वो चाल वो शान कहाँ छिप सकते हैं? मेरे साथ है बंभोड़ जंभा। नमस्कार चित्रगुप्त महाशय। ओ कौन हो तुम भाई, क्या चाहिए? प्रभु अगर सभा में नहीं है तो हम थोड़ी खाली बैठे हैं। तुम्हें लगता है कि हम लड़कियों के साथ रास क्रीड़ाएं कर रहे हैं? जाओ जाओ, पापियों की कतार में खड़े रहो। काठी पे लोटा लटका के आ गए, जाओ। देख लिया देवी, चित्रगुप्त की निष्ठा, उसका मेरे प्रति प्रेम, गौरव, भक्ति, बहुत सारा भंभोड़ जंबा। क्या कह रहे हैं आप? इतना ही गौरव है तो आपको पहचानेगा नहीं, यमपाश हाथ में देख के सिंहासन पर बिठाएगा नहीं। उसकी बुद्धि मंद हो गई है, उसके स्थान पर किसी और को रखना बेहतर है। नहीं नहीं, एक और बार परीक्षा लेके देखूंगा, कदाचित इस बार यमपाश दे दे। देख लीजिए, मैं जा रहा हूँ। चित्रगुप्त महाशय। बस कीजिए प्रभु, आप ठिठोली क्यों कर रहे हैं? किसी ने देख लिया तो हंसेंगे। इसने कैसे पहचाना कि मैं यम हूँ? ये खेल बस कीजिए प्रभु, यमपास स्वीकार कीजिए और सिंहासन पर विराजिए। ये तो अपचार है, मैं नरलोक का पापी हूँ। प्रभु पाताल ताल ऐस। स्वीकार कीजिए प्रभु। अबे मैं सचमुच पापी हूँ। बस कीजिए प्रभु, लीजिए। सैनिकों, नरजनों, आज से मैं नरक को ही बदल डालूंगा। अस्त्रों को त्याग दो, नरक के द्वार को बंद कर दो। अपनी इच्छा अनुसार पियो, नाचो और गाओ, अमर सुख का आनंद लो।
अब से जो भूलोकवासी मरेगा उसकी स्वर्ग में नहीं मेरे नरक में आने की इच्छा होगी। अबे नाचो कहा ना। काजल लगा जानी, आंचल हिला जानी, ये गगन भी जगमगाए तुमसे वो रानी। ओहो ओ आहा। उजले से चेहरे पे सूरत सनूर मन को रे भाए, खुशबू तेरी जैसे स्वर्ग परी चंदन महके। मीठी मीठी बातों में आओ ना मैं तो कुछ भी कर ले, जन्नत की होर में मस्ती में चोर अंग से खेले। लागी तेरी दिल को लगी, जाने तोरे मेरे नखरे तेरे मेरी लगन बाहों में आ जानू। नींदे उड़ा जानू। शो के साथ कामाम ठीक करोती। चित्रगुप्त मरे है, दंड नायक बदला लेने के लिए जिस मानव को हमने अकाल मृत्यु दी वही हमारे लिए खतरा बन गया। अरे तुच्छ मानव, पति भ्रष्ट हुई है या मदांध हो गया है तू? धर्मासन को स्पर्श करने की योग्यता नहीं है तुझमें और उस पर बैठ रहा है तू। कितना उन्माद, कितना अहंकार, कितना दुस्साहस। तुच्छ मानव, पैसे से मौत, रोग से मौत, उधार से मौत, गलती से मौत। मर गया रे भगवान कह के नित रोते हो है? तुम कहाँ हो और तुम्हारे जन्म मरण का निर्णय उंगलियों पर करने वाले हम कहाँ हैं? तुम्हारी मानव जाति अल्प है, स्वल्प है, असहाय है, नीच नीच है। ऐसी नीच जाति में जन्मे हुए तुम नरकाधिपति कहलाओगे? असंभव। व्यर्थ प्रयत्न छोड़ के यम दंड के लिए तैयार हो जाओ। यमराज क्या कहा, क्या कहा तुमने? मानव जाति नीच है, कटु वचन है, कटु वचन है। वैतरणी तक पीछा करके, सता सता के, नाक के बल नचा के, आपके धर्म सूत्रों को आग लगा के, पति के प्राण बचाने वाली नारी मणि सावित्री की कौन सी जाति थी? मानव जाति अपनी भक्ति से साक्षात परमेश्वर को ही प्रत्यक्ष करा के, आपके यमपाश को तिनके की भांति मान के, प्राण हरने वाले आपको ही प्राण भीति दिलाकर भगाने वाले बच्चे, मार्कंडेय की कौन सी जाति थी? मानव जाति। नीच नीच कहकर बार बार लज्जित करते हो और कितनी ही बार अपमानित हो चुके हो हमसे, आज जाति जाति कहकर हमारी अवहेलना कर रहे हो। कितने अविवेकी, कितने अज्ञानी और कितने कुसंस्कारी हो। आज से देवों को अधिक और नरों को अधम कहने वाले किंच भाव को उसके जड़ समेत उखाड़ फेंकूंगा।
प्रार्थनाओं को पाते हुए त्रिकोटी देव, दिशाओं के रखवाले अष्ट दिक्पाल, जीवन देने वाले पंचभूत समेत है, जय हो नरकी कह के हर्षित हो, इस प्रकार सिंहासन ग्रहण करूंगा। स्वर्ण मणिमय रत्न खचित अलंकृत इस सभा मंदिर में अकुंठित सेवा दक्ष परिवार समूह के मध्य में भूतल परिरक्षण धर्म निलय। इस नरक लोक में सर्वदा शतदा शतदा सहस्त्रदा पाप पंकिलिन कुल मत जाति के कीचड़ों का समूल रूप से शाश्वत रूप से प्रक्षालन करूंगा। Any doubts? उन लोगों ने तुम्हें किडनैप किया, मेरा दिल ही दहल गया बेटी। उसके लिए तू तड़पती है, तेरे लिए वो तड़पता है, दोनों कब तक ऐसे दुखी रहोगे, दोनों की शादी करा देते हैं। मुझे पसंद नहीं बुआ जी। इसमें कमी क्या है बेटी, पावर कट है तो प्रॉब्लम है, लेकिन बिजली है तो ठीक ही दिखता है ना। मान जा बेटी मेरी प्यारी, इससे शादी करेगी तो इस घर में सुखी रहेगी, नहीं तो हमेशा की तरह नौकरानी बनकर पड़ी रहेगी। कैसी जिंदगी चाहिए सोच ले। ये क्या? मामा, इसको मुझसे ज्यादा झाड़ू पसंद है। और 10 दिनों के बाद वो पूरे 21 साल की हो जाएगी, तब मैं जबरदस्ती घर में ही रजिस्टर मैरिज करवा दूंगा। हम ही यम हैं, कैसी ये सर फेरे मानव की दुश्चर्या। इस सारे कांड का कारण चित्रगुप्त तुम हो। तुमने मद्यपान करके सुध बिसर के, आप यहाँ पे मुझे दोषी ठहराते रहेंगे, वो वहाँ सिंहासन में कील ठोक देगा। मुझसे छोटी सी भूल हो गई। छोटी सी भूल हो गई, वो यम पाश था तुम्हारे सर के केश नहीं। अब सफाई देना बंद करो और आगे की सोचो क्या करना है। इसका बस एक ही उपाय है प्रभु। वो क्या है? आप यम पाश को चुरा लीजिए। धर्म का उद्धार ही हमारा जीवन है, हम चोरी नहीं कर सकते। मति भ्रष्ट हुई है तुम्हारी। करना होगा प्रभु, चोरी करना तो देवताओं को शोभा देता है ना, श्री कृष्ण जैसे महापुरुष ने भी चोरी की थी, आप करेंगे तो क्या बुरा है। प्रभु आप सबस कलाओं में प्रपूर्ण है ना। हूँ तो फिर चोरी भी उन्हीं कलाओं में से एक है, इसलिए अगर आपने किया तो वो कला कहलाएगी, फिर चोरी नहीं कहलाएगी प्रभु। देर हो गई तो देव लोक में पहुँच के आपको। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तुम जाकर उसके गले लग जाना फट से, और तभी मैं छीन लूंगा यमपाश को झट से। वो फट से और झट से उसके आगे नहीं चलेगा प्रभु, वो समस्त भूलोक में सभी चोरों का बाप है। जब वो गहरी निद्रा में सोया हुआ हो तभी उसे झांसा दे सकते हैं। ओहो, बंबोल जंभा, स्वर्ण मणिमय मेहमान ने सिंहासन पर, ओहो, एक अल्प मानव का इस तरह विश्राम करना, हमारा हृदय जल रहा है चित्रगुप्त। मैं अभी गदादंड से। आप अपने क्रोध को कुछ समय के लिए एक तरफ रखिए, हमें सिर्फ यमपाश से मतलब है, आप जाइए और उसे चुरा के ले आइए। प्रभु आप रानीवास के लिए नहीं निकले हैं, पाद रक्षाएं निकाल दीजिए, सिर पर वस्त्र ओढ़िए, अब धीरे से कदम मिलाते हुए बिल्कुल चुपचाप जाइए प्रभु। चित्रगुप्त, वहाँ वो कौन है चित्रगुप्त? जरा रुको भाई, यम धर्मराज पहली बार चोरी करने के लिए निकले हैं। यमराज चोर हुए, चोर यमराज हुए, विधि विपरीत हुआ। बिल्कुल स्वामी, आप कब आए स्वामी? अभी सब देख लिया, शुरू से देख लिया। ओहो, हाँ
कौन है? अपना मुंह दिखाओ, कौन है? आप भोजन भी करना चाहते? चोर 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 ये अन्याय है, मैंने पकड़ा है, तुम चोर हो। मैं चोर नहीं, जाने दो। ये क्या, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, तुझे तो मैं वो देखो। बाबा रे यमराज, तुम भी चोर हो? यहाँ कोई और तो नहीं है ना, हमें चोरी करते किसी ने देखा तो नहीं? नारायण नारायण। सैनिकों, बंदी बना लो इस चोर को। हे बमखोर चंपा, बांध दो इस नर को। नारायण, बेचारे किनकी आज्ञा का पालन करें, इनकी समझ में नहीं आ रहा। इस समस्या के समाधान के लिए हम महाविष्णु के पास जाए तो अच्छा है। आप रुकिए स्वामी, वैसे भी प्रभु की बहुत बदनामी हो रही है, फिर से देवताओं की पंचायत नहीं बुलाएंगे तो आपका पेट नहीं भरेगा क्या? तो फिर दोनों के बीच स्पर्धा रख के जीतने वाले को सत्ता देना उचित हो। वैसे भाई साहब, हड़ताल बजाते हुए आप हम दोनों को क्यों उकसा रहे हैं? मैं बड़े भाई से पंगा लेना नहीं चाहता, इलेक्शन रख लो। इलेक्शन? वो क्या है? चुनाव। हमारे भूलोक में नेताओं को ऐसे ही चुनते हैं। प्रभु, यहाँ सब हमारे ही लोग हैं, उसका जीतना असाध्य है, मान जाइए मान जाइए। तो ठीक है। नरकवासियों आइए, सब लोग आइए, पहली बार आपको ऐसा अच्छा मौका मिला है, आपकी इच्छा अनुसार नायक को चुनने का महाभाग्य। आप लोग आपस में बात करके सत्ता किसके हाथ सौंपनी है स्वयं ही निर्णय लीजिए। इस तरफ पुराने यमराज, इस तरफ नए यमराज। नरक में आए हुए एक नर को अधिकार सौंपना अनर्थ है, न्यायबद्ध होकर मैंने पालन किया। मेरा तिरस्कार करने से आपका जीवन भ्रष्ट हो जाएगा, अगर मुझे नहीं जितवाया तो आपका सर्वनाश हो जाएगा। प्रभु, धमकियां क्यों दे रहे हैं, जरा प्यार से, दुलार से। अब ऐसे नेता को कौन चुनेगा? मेरे प्रिय नरकवासी भाइयों, नरक की माताओं और बहनों, वंदन है, पादा भी वंदन है। मैंने कहा था ना। नारायण, ये नेता जरूर बनेगा। कब तक आप ये गुलामी की जिंदगी जिएंगे? गगन छूने वाले महलों में ये रहें, गर्ज भर के झोपड़े में आप, राजभोग इनके लिए, सूखी रोटी आपके लिए। केवल इतना ही क्यों, ये भूलोक आने जाने का कन्वेयंस दे रहे हैं, नहीं ना? हाँ, आखिर देवलोक से आने वाली निधियों का क्या कर रहे हैं ये? मैं इस सभा के सामने सवाल कर रहा हूँ। विरोध कीजिए, अकाउंट मांगिए, बीच बाजार इनकी पोल खोलिए, और सिर्फ नरलोक पार्टी को ही जितवाइए। यंग यमराज, देवी मैं हूँ ना। कर बच्चे कर, जितना ज्यादा निकलता है निकाल। बम्बोल जम्बा, नीच है, निकृष्ट है। देखा चित्रगुप्त, हाथ में गंदगी लगाकर उसके काल चूम कर बहुत ज्यादा लज्ज लज्ज कर रहा है। जीतने के लिए तो ये नर कुछ भी चाट सकते हैं। रुको माई, रुको, मेरे होते हुए तुम काम करोगी? वहां देखिए प्रभु, पास चित्रगुप्त, यही उचित अवसर है, अपने हाथ की सफाई दिखाइए। जठा बठा। प्रभु, मैं नहीं आऊंगा, आपका काम आप करें। बम्बोल जम्बा, प्रभु ये क्या कर रहे हैं? ये मेरा अधिकार है। प्रभु देखिए तो सही, वो यमपाश नहीं है, यम भट्टी का वस्त्र है। हा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 ह
एक्स यमराज के दुष्कार्य, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। स्त्रियों पर यमराज के अत्याचार, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। यमलोक के स्त्रियों की रक्षा, ये नर कैसा जादू चला रहा है चित्रगुप्त, इसके कारण हमारा जीवन कष्टों से भर गया है। अब इसकी सर फिरी चेष्टाएं मुझसे नहीं सही जाएंगी। देवी तेल लाकर सिर में मालिश कीजिए। देवी ये सब अंदर रखो। देवी देवी इतना गुस्सा क्यों? देवी ऐसे अचानक कहाँ जा रही है? दूर रहिए मुझसे, पाप का परिणाम है। हमारी शादी को हुए 2 करोड़ साल भी नहीं हुए हैं और अभी से आप मुझसे उब गए हैं। हम पर विश्वास नहीं रहा देवी। वाह, भट्टों की पत्नियों से आपको मोह है, फिर मैं किस लिए? जाइए उनके साथ कीजिए रासलीला। अरे रे 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 रे। ये उस नर का छल और चालाकी है देवी। बस कीजिए, आप इतने भंभोर जंबा हैं, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। देवी देवी देवी, हे मेरे प्रभु, ये कैसी परीक्षा? प्रभु उन्हें सत्य पता चल जाएगा, रानी जी वापस आएंगी, परंतु लगता है उतने में हमारे हाथ से सिंहासन छूट जाएगा। क्या हुआ है? पहले चरण के परिणाम समाचार के अनुसार वो नर आप से आगे चल रहा है। तो अब हम क्या करें? एक उपाय है, भूलोक में सिने तारिकाओं से प्रचार करवाते हैं, उसी तरह हम भी रंबा और वशी मेनिका को बुलाकर जनमत को आकर्षित करते हैं। ओहो, अप्सराओं से पहले ही घर में आग लगी हुई है, एक और समस्या। क्या करें प्रभु, और कोई उपाय नहीं है। अप्सराएं आकर जब अपना अचल लहराएंगी तो आसमान से वो टपकेंगे। तो फिर ऐसा ही करो। रंबा, उर्वशी, मेनका। ये सुंदरा, ये अप्सरा, ये रंभा, स्वर्ग परी निर्मल कोमल उर्वशी। झनक झनक नाचे तू जैसे मेनका, आजा आजा तेरे संग नाचू, आजा सरी बामा रे रे मा पा। तेरे साथ है सब क्या फिर सोचे तू, यमराज तुझको वोट में भी दू। पर कटे पक्षी की तरह फड़फड़ाते हुए गिर पड़ा है। हमसे मुकाबला तेरे पीछे चलने वाली चींटियों को खंड दिखाकर हमने उन्हें हमारी ओर घुमा लिया है। मानव, देख लिया तूने, अब जीत हमारे पक्ष में है। हमारी जीत को रोकने के लिए तेरे दादा को आना होगा। नारायण, क्या बात कर रहे हैं यमराज जी, कहीं सारे देवताओं ने मिलकर तथास्तु कह दिया ना तो कहीं बात होके रहेगी। और किसी को तथास्तु कहने की आवश्यकता नहीं, हम ही कहते हैं हमारा सामना करने के लिए इसके दादा को आना होगा। तथास्तु। आप ही ने बुलाया था ना उनके दादाजी। वाह, क्या तेज है, क्या शान है, क्या राजस है। उनको देखकर सादर भाव से हमारा मन भर के छलक रहा है। कदाचित भाई जैसा शब्द उनके ही कारण पैदा हुआ। नारद, कैसे हो पोते? दादा, कैसे हैं मेरे देश के आदरणीय भाई बहन और बाकी सब? जिस घर में देखो आपकी फोटो है, जिस गली में देखो आपके पुतले हैं। आपको भूलोक छोड़े 10 साल हुए हैं ना, NDTV में प्रख्यात नायक कौन है ये पूछने पर 73% लोगों ने आप ही को वोट दिए हैं। ये उनका प्यार है बेटे, मैंने तो तुम्हें अपना आशीर्वाद दिया था ना, फिर तुम इस नर्क में कैसे आ गए? अब आपको क्या बोलूं दादा, आजकल मेरा टाइम ही ठीक नहीं चल रहा। पागल कहीं का, अकेले ही पार्टी बना के अपने लोगों से जय जयकार पाई है जिसने उस दादा के पोते हो तुम। तुम कैसे हार सकते हो? अपने ही बल से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तुम्हें। अभिनय तुम्हारी रग रग में है, नृत्य का वरदान है तुम्हें। तुम पैर हिलाओगे तो दुनिया सीटी मारकर उछल पड़ेगी। ये यम क्या है? नर राज का बच्चा है या मजाक है? चल पोते, उड़ा दे इनके तोते। थैंक्स दादा, अब देखिए कैसे सबके होश उड़ाता हूं।
फालतू के इशारे मत करो, सर पे रखा छपरा फट जाएगा, समझ गए? चलता हूँ, रास्ता दो। अब निकल लो। नारायण, पहले पोते के वोट गिनिए। टन टन करती एक ही अंगूठी गिरी है क्यों? चुनाव परिणाम के अनुसार नए यमराज ही जीते। सैनिकों द्वार वहाँ है, यम सैनिक यहाँ है, पापी यहाँ है, न्यायाधिनेता, धर्म निर्णेता, नरकाधिपति, यमराज का सिंहासन यहाँ है। ए, गिनाओ इसके पापों का हिसाब। अवश्य प्रभु। हाँ? चित्रगुप्त विलंब क्यों हो रहा है? विलंब नहीं प्रभु, अदृश्य है। अदृश्य हो गया है? इसके पापों का चिट्ठा इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसका नाम ही दर्ज नहीं हुआ है प्रभु। ये कैसी अनहोनी है। हमारे सारे पाप को चित्रगुप्त इसी पुस्तक में लिखता है। प्रभु, इसका एक ही उपाय है। वो क्या है? उसको फिर से भूलोक में भेज देना। असंभव। प्रभु, मेरी बात सुनिए, वो तो वैकुंठ में पंचायती करना चाहता है और वो नारद महर्षि उसका साथ दे रहे हैं। इस तरह हमारी पदवी चली जाएगी प्रभु। हमारे प्रतिशोध का क्या होगा? उसका उपाय है मेरे पास प्रभु। 3 दिनों में उसका एक और यमयोग है, हमें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। युक्ति से विश्वास दिला के, बातों से छल करके उसको फिर वापस भूलोक भेज देना होगा। जैसा कि पाप करना उसका स्वभाव है, यमयोग से पहले कई पाप करेगा, तब हम उसे मार के यहाँ ला के अनेक प्रकार की हिंसा करेंगे। हम आपका बंभोड़ जंभा ले सकते हैं। वाह चित्रगुप्त वाह। आपके कहने पर आऊं, आपके कहने पर चला जाऊं, मैं क्या मुंह फुला के मायके गई हुई आपकी पत्नी दिख रहा हूं? यमराज, बहुत बेकार है ये प्लान। हाँ, तभी कोई गधे के बच्चे ने पीछे से छुरा भोंक दिया तो यहाँ चला आया, लेकिन अब पूरा मैटर पता चल गया है, अभी ये सब नहीं चलेगा। अपुन मरना चाहेगा तभी मरेगा, आना चाहेगा तभी इधर आएगा। प्रभु, उसे सब कुछ मालूम हो गया, अगर वो भूलोक में पाप नहीं करेगा तो हम उसे वापस कैसे लाएंगे? वो सब कुछ उसका भ्रम है। अरे, मुझे ही उठवाने का प्लान बना दिया। कहाँ है वो गुंडा? कहाँ है? हमको मत मारो, हमारी बीवियों के चेहरे देख कर तो छोड़ो। मुंह बंद कर रहे, इनके चेहरों को देख के लगता है इनके पतियों को मार दो तो इनकी शनि की दशा छूट जाएगी। तुमने तो मुंह की बात देख गए, सुन लिया ना, तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। कंजूस कहीं के, 45 लाख के लिए गेम बजाते हो? 45 लाख? 45 लाख ही कहता है और हम तो 45 करोड़ समझ रहे थे। ये बात पहले ही पता होती तो कितना अच्छा होता, बेकार उस नारायण को 1 करोड़ रुपए दिए। ये क्या डिस्कशन चल रहा है, कहीं तुम लोग 45 करोड़ तो नहीं समझे ना? अरे नहीं, उतनी समझ हमको कहाँ है भाई। क्या की रविवार है ना, कल 10 बजे कैश मिल जाएगा। लोचा हुआ तो काट के रख दूंगा। समझ में आया, मुझे नहीं चाहिए ये, लो पकड़ो से, निकलो यहाँ से, निकलो। काम चोर। वाह रे वाह, देखा बिड़ू कैसा महल जैसा घर है, तभी तो महारानी के इतने नखरे थे, अनाथ वनाथ कहकर पता नहीं क्या क्या कहानियां सुनाई। 10-11 बजे से पहले तो नींद से उठती नहीं होंगी महारानी जी। ये नई महारानी कौन है राजा? वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा यार।
डिस्टर्ब मत किया कर। जब देखो चली आती है मुंह उठाकर मनहूस कहीं की। चल जाए यहाँ से। छी। ये सारी जायदाद उसी की है। जब से उसके दादा गुजरे हैं ना, ये लोग सब हड़प गए हैं। उसका जीना हराम कर दिया है। सती, 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 तुमका भाई राजा कहाँ है? राजा, राजा बंबई गया है। बंबई? तुम्हें मुझसे मिलने के लिए भेजा है ना? हाँ। मुझे पता है, हमेशा मेरे बारे में ही सोचता है। अरे ओ मही, कहाँ मर गई? आके बाथरूम धो। जी अभी आती हूँ। कोई बात नहीं सत्ती, राजा के आती सब ठीक हो जाएगा। हाँ पर वो भूलेगा नहीं सत्ती, उसने मुझसे वादा किया है, वो आएगा और मुझे ले जाएगा। वो लड़की जब तक अपुन के पास थी, अपुन ने कितनी अच्छी देखभाल की ना, ऐसे इशारा करते ही उसका हर काम कर देते थे। लेकिन इधर झाड़ू पोछा लगाना, बर्तन साफ करना, अरे चाहे तो पैर भी दबवा ले, हमारा क्या, हमारा क्या जाएगा? हाँ जाएगा क्या कुछ? हाँ। जैसे ही पैसे मिले अपन तो उड़ जाएंगे। बोलती है मैंने वादा किया है वापस आऊंगा। कितनी भोली है रे वो, उन लोगों के बीच कैसे जिएगी? मतलब उस लड़की पर लाइकिंग है? चल बे, Me liking only money. तो ठीक है, कल सुबह उन लोगों के साथ झगड़ पड़ोगे सोच के बहुत टेंशन थी। किस लिए? अरे उस लड़की की कल उस भोते के साथ रजिस्टर मैरिज है ना। बचपन से मैंने अपने सिवा किसी और के बारे में सोचा ही नहीं, लेकिन तुम्हारे बारे में पता नहीं क्यों मही। मुझे पता है। ये तो मैंने तुम्हें एक महीने पहले दिया था ना? नहीं, 12 साल पहले मैंने तुम्हें ये दिया था। ये बार बार घंटी बजा के हमारा बैंड क्यों बजा रहे रे भैया? क्यों बड़ी दीदी, थोड़ा बैलेंस रख दिया तुमने? बेटा हाँ। ये मंगलसूत्र है। मंगलसूत्र है या ढोंग है? हाय हाय, पाप है, ये पाप है बेटा, हम कुछ नहीं कर सकते पर यमराज नहीं छोड़ेंगे। ये बनकर यमराज तो क्या, यमलोक से कोई भी आए अपन केयर नहीं करता है क्या रे? यमराज है आ बे, ये तेरे को बुला रही है, इसको सपोर्ट करने के लिए आएगा। आपको कटु वचन बोल रहा है। जानता हूं चित्रगुप्त, वो जो कह रहा है देव दूषण है, पातकों में ही महापातक है, उसे दंड देने के लिए पर्याप्त है। गिनो जरा उसके पापों का चिट्ठा। फिर से कुछ हुआ क्या चित्रगुप्त? बहुत विचित्र है प्रभु, उसके पापों में से एक भी दर्ज नहीं हुआ। ये क्या है, महिमा है, मंत्र है या उस मानव का भंभोल जंभा? पता नहीं प्रभु, वो तो आपकी दिव्य दृष्टि से ही जान सकते हैं। क्या हुआ प्रभु? भूलोक में प्रेम एक ऐसा बमभोल जंबा होता है जो उसका रक्षा कवच बन रहा है और उसके पापों को हर ले रहा है। उसका 10 दिनों का यम योग है प्रभु, वो निकल गया तो 100 साल तक उसका मरण असाध्य है। उसे साध्य मैं करूंगा, संदेह की आग लगा दूंगा और उनके प्रेम को भंग कर दूंगा। रक्षा कवच में छिद्र करके उस नराधम को यहाँ नरक में घसीट लाऊंगा। और ये सब करने के लिए
हम स्वयं भूलोक में जाएंगे। प्रभु, यदि उसने हमें पहचान लिया तो बात पहले ही बिगड़ जाएगी। हमारा ये रूप देखेगा तो उसे गतकाल याद आएगा ना। हम रूप ही बदल लेंगे। ये कैसे होगा देखने के लिए मन उतावला हो रहा है प्रभु। हम बोल जंबा। प्रभु, क्या लावण्य है, क्या सौंदर्य है। इसमें अगर थोड़ी और चंचलता और अदाएं मिलाएंगे तो और अच्छा होगा, ऐसा मेरा विचार है। वो कैसे? मेरे अनुभव से अभिनय करके दिखाऊंगा, देख लीजिए। ऐसे। वाह, अब तो ऐसा ही करूंगा। प्रभु, आपके गदा के स्मरण के कारण संशय कर रहा हूँ, नहीं तो मेरा सर आपकी गोद में रख कर। प्रभु प्रभु, अपनी आवाज तो ठीक करिए। बम्बोले जंबा। हाँ, पधारिए। मामा, ये लड़की मुझे बहुत पसंद है। गलत बात, तेरी मामी लगेगी। हमारा प्रयत्न सफल करने के लिए उसको मेरे मोह जाल में फंसा के श्रृंगार रस के लिए उकसाना पड़ेगा। ध्यान रखना, ये सारा खेल वो कन्या देखे ताकि शादी टूट जाए। बाकी, ओ बाकी, धनलक्ष्मी। क्यों बे, मजाक सूझ रहा है क्या? धनलक्ष्मी की आवाज निकालना जरूरी था क्या? अबे चुप कर। बाकी। बाप रे धनलक्ष्मी। आओ ना बाकी। आओ बाकी, तुम्हें बुला रही है। भिड़ू, अरे भिड़ू रुक, किधर भाग रहा है? शादी के मंडप में बिना फेरे लिए ही मर जाएगा तू। बाप रे, ये यहाँ कैसे आ गई? मही देखे, इसे पहले इसे यहाँ से भगा देता हूँ। मेरी बात का जवाब नहीं देते, नाराज हो? तेरे हाथ जोड़ता हूँ, चिल्ला मत मेरी माँ। ये ले, अभी के लिए 500 जमा कर और निकल यहाँ से। ये क्या कर रहे हो बाके? मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं तो तुम्हारी शादी देखने यहाँ आई हूँ। ये क्या, गालियाँ देने की बजाय ये इतना प्यार से बात कर रही है? जरूर ये इसका प्लान है। प्लान नहीं पांडू, नहीं, पास ही रह के तुझे लगाने आई हूँ हल्दी। हल्दी? तू हल्दी लगाएगी तो मेरी लाइफ हिल जाएगी। तू जा। पतली सी डाली जैसी, ये पहाड़ जैसी अटल कैसे हो गई? ये सच है या ड्रीम है? तुझे तो मैं अब देख तू। तुम्हें सेपरेटली बोलना पड़ेगा क्या? अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? रोको इसे। चलो निकलो यहाँ से। राजा, ये लोग कौन है? इसी से तेरी शादी हो रही है? लड़की सुपर है। तुम कौन हो? अरे अरे अरे, इस बाके ने मेरे बारे में कुछ नहीं बताया। अरे नालायक, हमारे बारे में एक भी बात नहीं बोली तूने। बापू, क्या है बेटी? माना ये तेरा भांजा है, पर इतने बड़े घर का दामाद है ना, नालायक वालायक मत बोल, अच्छा नहीं लगता। क्या रे, रिश्ता जोड़ रही है तू? बाप बेटी दोनों का एक साथ बिस्तर गुल कर दूंगा। चल झूठे, बहन को तेरे बारे में सब कुछ बताना ही पड़ेगा ना बहना। हाँ हाँ, सब बताओ, इसके क्या क्या राज है? नहीं नहीं, शर्म आती है, बोलो ना। बचपन में हम दोनों, हाँ हम दोनों, हाँ सिर्फ हम दोनों साथ साथ रहते थे, गोलियाँ खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, उछल कूद खेलते थे, लंगड़ी भी खेलते थे। बच्ची बड़ी हो गई तो बच्चों का खेल, उछलना खेलना कूदना सब बंद करवा दिया मैंने। नहीं तो अब तक रोज वही काम होता इन दोनों का। अरे मामा, खेल बंद करो, इतनी डिटेल्स काफी है, चलो निकलो यहाँ से। राजा, शादी तक इन्हें यही रहने दो ना। वो क्या है मही, अभी जाने दो इनको, ये बाद में आ जाएंगे। मना मत करो राजा, अपनों का होना तो नसीब की बात है, अपनों को अपने से दूर करके तुम्हें भी मेरे जैसे अनाथ की तरह क्यों रहना पड़े। चलो अंदर चलो। बाथरूम कहाँ है बेटी? यहाँ से जाइए। Oh, my God.
बापरे, चाचा तुम यहाँ? चाचा मत कहो, चलो दोनों कोशिश करके देखें। ठीक है चलो। नालायक, दोनों ही नालायक आ गए। आप क्या क्या कर रहे हैं? हाँ मामा जी, क्या कर रहे हैं? अरे बापरे, तुम दोनों भी कोशिश कर रहे हो, फिर तो तीन लोग हो जाएंगे, एडजस्ट कर लेंगे। हेलो हेलो राजा, क्या रे भिड़ू, छोड़ के भाग गया डरपोक, किधर है बोल? तेरी दया से बहुत टॉप पोजीशन पे हो रहे, किसी के हाथ ना हो इतनी ऊंचाई पर हो। क्यों, लॉटरी लग गई क्या? अबे लॉटरी लगी तेरी माँ की, क्या दरअसल तेरा वो मुझे लटका रही है। कौन है रे? और कौन, आइटम बम गुंडी धनलक्ष्मी। क्या बकवास कर रहा है तू, धनलक्ष्मी वहाँ कैसे हो सकती है? बंदर की तरह कब तक वहाँ बैठेगा, नीचे उतर पे। एड्रेस हाथ लगने दे, चोटी से उसे और नाड़े से तुझे फांसी न लगाई तो मेरा नाम भी धन लक्ष्मी नहीं। हाँ साले कमीने, ए नीचे उतर, पत्थर मारू क्या? एक बार मारू तो जिंदगी भर नहीं भूलेगा साले, जूते खाएगा, नीचे उतर। ए चप्पल फेंक के मारू क्या? अब आपको इस लोक में ही नहीं, किसी भी लोक में कोई भी जगह नहीं मिलेगी। अब की बार मुझे ऊपर लाने के लिए आपके दादा परदादा को आना पड़ेगा। अभी आप उन चलता है भिड़ो। श्वेत पद्म धर्म देवम त्वम सूर्यम प्रणमाम्यहम। ये बात है यमराज, मुझे ऊपर ले जाने के लिए नरक लोक छोड़कर नारी की तरह साड़ी बांधकर कमर मटकाते आ गए। तुझे तेरे ही लोक में हरा चुका हूँ, ये तो मेरा लोक है। अरे ओ बाकी, जरा अंदर तो आओ, सीक्रेट बात करनी है। सीक्रेट बात करनी है बोलकर सेंटर में क्यों लेकर आ गई? तेरे सिवा मेरा कौन है बाके? तेरे बिना मैं जी नहीं सकती बाकेरे। ये शादी हो गई तो मैं जहर खा लूंगी बाके, कुएं में कूद के जान दे दूंगी, ये शादी रोक दो। अरे चुप हो जा, तेरी मर्जी के बिना शादी नहीं होने दूंगा। तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, मेरे लिए तुझसे बढ़कर कोई नहीं। आया जाल में, अब इसका काम तमाम हो गया। तेरे बाप की चमड़ी उधेड़ कर तेरी मर्जी से ही तेरी शादी करवाऊंगा। अरे बिल्ला चल इधर आ। हाँ तू ही बुटके। क्यों रे, जबरदस्ती इसकी शादी करवाएगा? एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करेगा? तू इसका असली बाप ही है ना? हाँ बोल बोल। अरे बचाओ मुझे। मेरे बाबू को मत मार बाके। मैं जानता हूँ धनु, बाप की चमड़ी उधड़ते देख कोई भी बेटी को दुखी होगा, पर नहीं उधड़ा तो जीवन भर तुझे ही दुखी होना पड़ेगा। अबे रुक ले बुटले। नौटंकी साला। भाई साहब बचाइए। कोई बात नहीं, आदत पड़ जाएगी, हमें पड़ी ना। राजा रुक जा, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? जबरदस्ती शादी कराने से उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होगी? उसकी पसंद से ही उसकी शादी कराइए। चलिए वचन दीजिए। कौन, मैं दूं बेटी? मैं दूं क्या? आज से दोपहर की घंटी पे इसको भी लेके आना। ये दोपहर की घंटी क्या है? अरे कुछ नहीं, रोज दोपहर को टन 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 करके घंटी बजाता है और सब लोग लाइन लगा के लॉन में जाते हैं। अभी तुझे धोया ना, ऐसे ही धोके छोड़ देता है। तैयार है ना? मुझे पता नहीं था घंटी बजाने का अर्थ ये है। नर्क में भी इतने बड़े दंड नहीं, ये पात्र मुझे नहीं चाहिए, मैं जाता हूँ। हमारा काम पूरा होने वाला है,
इतनी सी मार से डर गए चित्रगुप्त, थोड़ा सहन करो। थोड़ा सहन करो, दर्द आपको होता नहीं, मार आपको पड़ती नहीं, कुछ भी कह सकते हैं। है? आइए पंडित जी। अरे उसने दोपहर में कहा था। अरे आपका पहला दिन है ना, मजा आएगा। जोड़ी बेजोड़ है बेटी, दोनों के राशि फल उत्तम है। बेटी आज 1 तारीख है, 8 से 4 दिनों में यानी 5 तारीख को बहुत अच्छा मुहूर्त है। इस तारीख के बाद अगले 3 महीनों तक अच्छा मुहूर्त नहीं है, तो आप कहें तो मैं लग्न पत्रिका लिखवाऊं। लिखवाइए आचार्य जी, 5 तारीख का मुहूर्त अच्छा नहीं है। कौन हो तुम? हजारों शादियां करवाई हैं इन हाथों से, पंचांग मुझे कंठस्थ है। इतना गुस्सा किस लिए? जरा फिर से देखिए। पर कितनी बार देखूंगा मैं? हर कोई पंचांग देखने लगेगा तो हमारा पांडित्य किस काम आएगा? क्या हुआ पंडित जी? गलती हो गई बेटा, मैंने अनजाने में गलत मुहूर्त बता दिया। वो लड़की ना बताती तो अनर्थ हो जाता। छी, ऐसा कभी नहीं हुआ, क्षमा कर दो बेटा। कोई बात नहीं पंडित जी, शादी की क्या जल्दी है, 3 महीने बाद का मुहूर्त तय कर लीजिए। बेटी मही, समय पर आकर उस लड़की ने हमें गलत मुहूर्त से बचा लिया, आगे तुम्हारे दिन अच्छे हैं। अब चलता हूँ। ठीक है। देखो बेटी मही। देखो बेटी मही, आने वाले दिन बहुत बुरे हैं, आप दोनों की कुंडली के अनुसार कुछ अनिष्ट होने के संकेत हैं। तो हमें क्या करना चाहिए पंडित जी? क्या करना है ये बताने के लिए मैं हूँ ना। क्या करना है ये बताने के लिए मैं हूँ ना, 1 हफ्ते के लिए आप दोनों के बीच कोई बात या मुलाकात नहीं होनी चाहिए, एक ही घर में ना रहो तो कोई भी अनिष्ट नहीं होगा। ये क्या बात हुई पंडित जी, एक घर में नहीं रह सकते ना ही बात कर सकते हैं। राजा, 1 हफ्ते की तो बात है, मना मत करो। ठीक है। गोविंद जी, बीबी जी, बुआ जी और सबसे कहो सामान बांध लें, हरिद्वार जाना है। ठीक है बीबी जी। ये हफ्ता गुजर गया तो खतरा टल जाएगा पंडित जी। खतरा? दोपहर की फ्लाइट से हम निकल जाएंगे राजा। अच्छा ठीक है। अब दिखाता हूँ मैं तुम्हें मेरा बम्बोल जंबा। ओए माँ, बाप रे, कितना दर्द हो रहा है, कैसा हाथ चलाया तूने मानव। प्रभु, उसने आपके पृष्ठ भाग पर जो बजाया, 1000 तबलों का शोर आया, आपने एक सहन कैसे किया प्रभु? उसका अनुभव ही कर सकता हूँ, वर्णन करना असाध्य है चित्रगुप्त। पीड़ा को अंदर गटक के मंद हास छलकाया, लेकिन वो मानव। जाने दीजिए प्रभु, हमारा काम हो गया, चलिए। हेलो हेलो हेलो, नारायण मैं हूँ। वो राजा अभी तक नहीं मरा है, वो हमारे घर में घुसकर हमारी घंटियां बजा रहा है। सुनो सुनो सुनो, मही हरिद्वार गई है, अगर उसको पकड़ लिया ना तो फिर सारी जायदाद हमारी। ओए माँ, अरे तू जल्दी आ, तेरी तो रुक। जैसे ही तुम इधर आई उसने मुझे अंदर घसीट लिया, मैंने कितना कहा ऐसा मत करो, उसने नहीं सुनी, मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी। अच्छा हुआ शादी से पहले ही पोल खुल गई, अब भूल जाओ उसे, जान छूटी। जो करना था वो सब करके लाज और शर्म छोड़ कर आया है, जो पूछना है पूछ के भगा दे। क्यों राजा, ये सब लोग हमें अलग करना चाहते हैं ना? मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? आंखों देखी भी नहीं मानूंगी क्या? आंखों देखी नहीं, भगवान भी आकर कहे ना कि राजा बुरा है तो भी नहीं मानूंगी। ओहो, मैं कहूँ तो नहीं मानूंगी, बापू कहे तब भी नहीं, तुम्हारे लोग कहे तब भी नहीं, और तो और भगवान कहे तब भी नहीं, मगर राजा कहे तो मानोगी ना?
एक पैसा भी कम हुआ ना तो लड़की के हाथ पांव तोड़ के टुकड़े टुकड़े करके तुझे पार्सल कर दूंगा। मैं जानता हूँ तेरी लड़की के पीछे बहुत बड़ी जायदाद है, इसीलिए उस महारानी के इतने सारे नखरे उठाए मैंने, उसकी सेवा की है। नहीं तो मेरे क्या राशन पानी फुकट आता है? धर्मशाला खोल रखी है क्या? चुटकी बजाई तो कॉफी लाना, चुटकी बजाई तो काम करना, ये सब प्रेम नहीं था मही, पैसा था। एक और चुटकी बजाई ना तो चौराहे पे बेच देगा तुम्हें। पैसे के लिए तुमने मेरे साथ नाटक किया मही, उस वक्त पैसे के लिए तुमने मेरे साथ नाटक किया। चले जाओ, चले जाओ। देखा ना, ये आ गया उसका बाप, उसने उसको भगा दिया, पीछा छूट गया, अब सीन उसे उसकी शादी कराएंगे। यमयोग से पहले ही इनको अलग कर देना, उसी समय पर इसको यहाँ लाना। वाह प्रभु वाह। यही 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 यही, इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छूटेगा, भगा दो तो भागने वाला नहीं है। इसका रोना सुनाई दिया तो दौड़ के आ जाएगा। देखो नारायण, सीनू की शादी जब तक ना हो जाए तुम्हें यही रुकना है। हाँ नारायण, ये शादी हो गई तो हमको 200 करोड़ मिलेंगे, तुझे 2 करोड़ दे देंगे। प्लान कैसा लगा? प्लान बहुत अच्छा है। एक छोटा सा चेंज है। हाँ? शादी मैं करूंगा, जायदाद मुझे मिलेगी। नरसिंह स्वामी का मंदिर है, उसमें यमपाश प्रवेश नहीं कर सकता है। यमयोग के लिए केवल आधे घंटे का समय शेष है, उससे पहले उसे वहां से निकालना होगा। झूठ बोला, ऐसा होगा मैंने
सोचा नहीं था मेरी जीभ कट जाए। ये चोट कैसे, ये खून कैसा। उठो बाके, उठो, हॉस्पिटल जाकर इलाज करवाएंगे। हंस क्यों रहे हो? अगर यहीं रहे तो मर जाओगे। यही तो चाहते हो ना तुम, यम धर्म राजा? इस मंदिर के प्रांगण में जब तक हूं मुझे मौत नहीं आएगी, और यहां से बाहर निकाले बिना मुझे मारने की आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी। मैं चलता हूं, जहां आप कहेंगे मैं चलने को तैयार हूं। मेरी जैसी मौत आप चाहते हैं मैं खुशी खुशी मरने को तैयार हूं। लेकिन एक आधे घंटे का समय मुझे दीजिए यम धर्म राजा। मेरे लिए नहीं तो एक मासूम लड़की को बचाने के लिए दे दीजिए। मेरे पाप क्षमा के लायक तो नहीं है, उन पापों के लिए मैं नरक के सारे दंड भोगने को तैयार हूं। लेकिन मेरी मई को बचाने के लिए मेरी मौत को सिर्फ आधे घंटे के लिए टाल दीजिए। आपने दया नहीं दिखाई तो भी बुजदिल की तरह यहां बैठकर अपने प्राण नहीं बचाऊंगा। मही को बचाने का मेरा संकल्प ही मेरा अस्त्र है। उससे मैं आखिरी क्षण तक, मेरी सांस रुक जाने तक लड़ता रहूंगा। ओहो, आप कितने निर्दयी हैं स्वामी। उसने आपसे कोई प्राणदान तो नहीं मांगा, एक प्राण बचाने के लिए समय मांगा, वो देने के लिए भी आपका मन नहीं माना। अगर उसकी की हुई गलतियां पाप है तो आपकी गलतियों से कितने चिट्ठे भरेंगे। असत्य बोला, चोरी करने को तैयार हुए, प्रेमियों को अलग किया, क्या ये सब धर्म के अनुसार है? अपने आप पर लगाए हुए कलंक को मिटाने के लिए कम से कम उसे समय तो दीजिए। मुझ में वो शक्ति होती तो आधा घंटा नहीं नारद, 100 साल और देता मैं उसे। यमराज, लेकिन अब वो समय हाथ से निकल गया है। एक बार यमपाश को छोड़ने के बाद वापस नहीं बुला सकते। उसका हर कदम उसे मृत्यु द्वार की ओर लिए जा रहा है। प्रतिपल वो मर रहा है। अब उसका मरण अनिवार्य है नारद, अनिवार्य है। रुक जाए। नर अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकता है, इस बात को सिद्ध किया है तुमने। तुम प्रेम करने के योग्य हो। अब से कोई अवरोध नहीं होंगे, अब पूरे 100 साल आराम से जीने दूंगा तो जियोगे ना। अब ये क्या फिटिंग है स्वामी? ओ अरे मेरी चल, चल तू यहाँ है। अब क्या होगा, कहाँ फंसा दिया मेरे बाप? बचालो, मुझे बचालो, बचालो। कब तक बचेगा तू? मेरे पैसे कब देगा? बोल, बोल ना, कब देगा पैसे? ओ मानव, फूलों की इन मुसीबतों से नरक ही अच्छा था ऐसा लगता है ना? छोड़ छोड़ दे। प्रभु बदल गए हैं माता। मैं नहीं मानती, ये सत्य है माता। अबे हंस क्यों रहा है, पैसे कब देगा बोल। अरे सुन, मैं हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पैसे तुझे दे दूंगा। मुझे टॉर्चर मत कर मेरी माँ, तू जा यहाँ से, जल्दी जा।
मैं नहीं, मान ही नहीं सकती। नहीं, देवी, देवी। नौटंकी वाले, तेरे पल्लू क्यों पकड़ रखा है? छोड़, बोला ना तेरे को छोड़। अब नरक में जाओगे तो तुम्हारी खबर ली जाएगी। भूलोग ही बेटर है ऐसा लगता है ना मिस्टर यमराज। लड़की नहीं है स्वर्ग की बाला, अक्सर बाला, हाँ स्वर्ग की बाला, रूप की मलिका है ये बाला। प्रभु, प्रभु, ये क्या कर रहे हैं? बात मेरी सुन, बोले धड़कन, बिन तेरे रहा ना जाएगा आजा। अंग लगाने, संग बिठाने, चुने मुझे तो क्या करूं।